हमने तो कुछ चमत्कार अपनी आंखों से देख ही लिए हैं, अब आप भी देख लेना। कुसुम, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि किसी और की आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर ये सब बता सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। देखा नहीं था उस तांत्रिक बाबा ने क्या किया था? ये सब कुछ संभव है। और अभी भी कह रही हूँ, जो फायदा उठा सकते हो ना उठा लो। हेलो, इतनी रात गए फोन के साहब? नहीं, पता नहीं वो कागजात भाई साहब ने कहाँ रख दिए। मैं आपको उसके बदले दूसरी जमीन दे सकता हूँ। ओहो डीके साहब, आप समझते क्यों नहीं, वो ऑलरेडी भाई साहब के नाम पर है, और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी भाई साहब के नाम पर है मैं उसे भला कैसे बेच सकता हूँ? गलती भूल कर भी मत करना डीके साहब, वरना हम तुम्हें तुम्हारी भूल को सुधारने का कोई मौका नहीं देंगे। गुड मॉर्निंग डीके साहब। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गंगू, आओ बैठो। और कहिए, आज सुबह सुबह इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? हम जानते हैं गंगुआ कि तुम नकली सिग्नेचर के साथ साथ नकली कागजात बनाने के माहिर हो। हमने आज तुम्हें इसीलिए याद किया है। क्यों, किसी का नकली पासपोर्ट बनाना है क्या, या फिर नकली कागजात बनाकर किसी की जमीन हथियानी है? अरे वो लाला राम वाली जमीन है ना, उसी के नकली कागजात तैयार कराने हैं। अच्छा, वो लाला राम? अरे डीके साहब, वो लाला राम की जमीन तो दो कौड़ी की भी नहीं है, फिर क्यों खाली पीली वो विजय के भाई से हमारी दुश्मनी करवा रहे हो? तुम नहीं जानते गंगवा कि वो जमीन कितनी कीमती है, उस जमीन में खजाना दबा है। अच्छा? हाँ, और खजाना भी इतना ज्यादा कि तुम्हारी सात पुस्तक बैठ कर खर्च करे तो खजाना खत्म नहीं होगा। ये बात है, तो आज ही हम जमीन खोद डालते हैं और निकाल लेते हैं वो खजाना। लेकिन इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? हम तुम्हें 25% देंगे इस काम का। तुम एक काम करो, अपने आदमियों के साथ जाकर जमीन में खुदाई शुरू करो, और हाँ, इससे पहले तुम उस जमीन के नकली कागजात तैयार करवा लेना। अगर भानु ने इस काम में कोई रुकावट पैदा की तो हम उसे वो नकली कागजात दिखाकर उसे कुछ दिनों के लिए उलझा सकते हैं। राइट बॉस, और इसी बीच हम वो खजाना निकालेंगे। नो प्रॉब्लम, क्या आइडिया बॉस। तो अब तुम इस काम में देर मत करो और अपने आदमियों को साथ लेकर जाओ और जल्दी काम शुरू करो। ठीक है बॉस, हम आज से ही खुदाई चालू कर देते हैं। चलो भाई, चलो चलो आ जाओ। आज तो मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। ले खा ले बेटा। नहीं खाना चाची, ये सब कौन है चाची? खा ले बेटा खा ले, कुछ ही दिनों के मेहमान है ये लोग यहाँ पे। हाँ हाँ बेटा खा ले, हम तो तुझे खिला पिला कर यहाँ से जाएंगे। और अभी तो तेरे लिए खुशबू भी रबड़ी लेने गई है। हमारा क्या भरोसा बेटा, हम आज हैं और कल नहीं। हाँ, हमें तो चाशनी से काम चलाना पड़ेगा। ले तू भी ठूस ले रसगुल्ला। बेटा बहुत है। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने खुद ही मन बना लिया यहाँ से जाने का। याद रखना, दो दिन, सिर्फ दो दिन है तुम्हारे पास। अगर इन दो दिनों में तुम इस हवेली से नहीं गए ना,
तो तुम सबको हवालात में बंद कर इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम सबको तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, समझे तुम? अजी उसकी नौबत नहीं आएगी, हमने तो वैसे शेर जी को वचन दिया है कि आज के बाद हम मेहनत करके ही खाएंगे। मेहनत का फल अच्छा होता है मीरचंद जी। हाँ, इसलिए तो हम सब ने जमीन खोदकर मेहनत करने का मन बना लिया है। हाँ? बस एक बार वो खजाना हमारे हाथ लग जाए, फिर उसके बाद हम अपनी मेहनत की सारी कमाई लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। जैसे खजाना मिले मुझे जरूर बताना, और हाँ याद रखना अपने अपने कान खोलकर, अगर दो दिन में तुम इस हवेली के आसपास भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कौन नहीं होगा, समझे तुम लोग? सिर्फ दो दिन, दो दिनों के बच्चे, सिर्फ दो दिन। अरे इससे बुरा होगा भी कौन? अरे दो दिन मिले हैं ना, अरे जब जाना ही है भैया तो कुछ खा पी कर जाओ, टूट पड़ो। अरे शामू देख कर उठा रसगुल्ले। कहाँ ले जा रहे हो? जा। तुम खजाना नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे मैंने ना। हाँ थोड़ा और उधर देख लो, शामा उधर देख लो थोड़ा। है तो कहाँ है? तुम भी थोड़ा उस साइड देख लो, उस साइड देख लो। इधर देखो इस साइड। इधर इधर करना, इधर इस साइड। हम तो खुदाई करते करते थक गए बॉस, अब तक तो कोई खजाना नहीं मिला। अरे इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा और हिम्मत करो और खुदाई करो। एक बार वो खजाना हमारे हाथ लग गया ना, हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। चलो 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 खुदाई करो। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। कहीं तो होगा खजाना यार, जब बॉस ने बोला तो कहीं तो होगा खजाना। यही होगा कहीं, इधर ही देखो आसपास। देख लेंगे, ठीक है ना? ये कौन है? अरे ये तो गंगुआ है, डीके का बहुत बड़ा चमचा। इसका मतलब भानु ने जमीन डीके को बेच दी? लेकिन डीके को किसने बताया कि इस जमीन में खजाना छुपा हुआ है? डीके तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, जरूर किसी अघोरी ने बताया होगा उसे। अघोरी? हाँ अघोरी। यानी कि हमारे साथ डबल क्रॉस। कोई बात नहीं, हम भी इनके साथ ट्रिपल क्रॉस करेंगे। इन्हें खुदाई करने दो, जैसे ही माल मिल जाएगा लेकर रखो चक्कर हो जाएंगे। ना तो माल डीको को मिलेगा और ना ही हम माल अघोरी को देंगे। इसका मतलब सारा का सारा खजाना।